देखिए हमने अभी क्या क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर कोई करंट ड्रॉ नहीं करता लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है। एक्चुअलिटी में आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है, ऐसा वोल्टमीटर जो कोई करंट कंज्यूम ना करे, ऐसे वोल्टमीटर को आइडियल वोल्टमीटर कहते हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं तो क्या पॉसिबल है, पोटेंशियोमीटर पॉसिबल है। पोटेंशियोमीटर का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेच्ड वायर पोटेंशियोमीटर होता है, जिसका डायग्राम यहां पर आपकी टेक्स्ट बुक में प्रॉपर तरह से बताया नहीं गया है, पर जब हम आगे चल के और पोटेंशियोमीटर के बारे में सीखेंगे तो हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। देखिए पोटेंशियोमीटर में एक वायर ए से लेके बी के बीच में रेक्टेंगुलर शेप में इस तरह से अटैच किए जाते हैं। यहां पर एक सोर्स होता है ईएमएफ ई का, एक सोर्स होता है जिसका कनेक्शन किया जाता है ए बी से। अब हम बात कर रहे होते हैं स्मॉल आर, तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर अवेलेबल है, और ए से बी वायर, ए से बी पूरे वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल आर रेजिस्टेंस है। टोटल लेंथ इसकी एल है, मतलब ए से बी तक की बात करें तो वायर की लेंथ एल है। अब हम क्या बोलते हैं, अगर सोचो ए से बी तक रजिस्टर आर कनेक्ट होता, सपोज ध्यान से है ना, ए से बी तक रजिस्टर आर कनेक्ट होता, बाद में आप बात कर रहे होते हैं सेल की, और छोटा सा रेजिस्टेंस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल आर, करंट फ्लो हुआ, अब क्या हुआ ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू आर इक्विवेलेंट, तो ई इक्वल टू आ गया आपके पास में आई इक्वल आई इंटू आर इक्विवेलेंट, तो आई इक्वल टू कितना आ गया ई बाय आर इक्विवेलेंट। तो चेक कीजिए आई इक्वल टू ई डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट, मतलब आर प्लस स्मॉल आर। थोड़ा समझने में ध्यान देना बच्चों, मैं अगर कहता हूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी, तो इसे कहा जा सकता आई इंटू रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, आई इंटू रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, और रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी को आप क्या लिख सकते हैं, तो आई इंटू कैपिटल आर, और आई इंटू कैपिटल आर, आई की वैल्यू बोलो कितनी है, आई है आपके पास ई डिवाइड बाय आर प्लस स्मॉल आर इंटू कितना है कैपिटल आर। अच्छा समझना ध्यान से, वी ए बी, वी ए बी इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर, और ये आपके पास ही है, मैंने दोनों तरफ एल से डिवाइड कर दिया। अच्छा दोनों तरफ एल से डिवाइड किया तो ये आ गया पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, आर डिवाइड बाय एल आर प्लस स्मॉल आर, ये हो गया आपके पास मल्टीप्लाई बाय ई। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आर कॉन्स्टेंट, रेजिस्टेंस क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, वापस से एल क्या है लेंथ, तो वायर की लेंथ किसी भी एक्सपेरिमेंट में, भाई इस पूरे एक्सपेरिमेंट में मान लो आपने 100 मीटर का वायर लिया, तो पूरे एक्सपेरिमेंट की ड्यूरेशन में वायर का लेंथ कितना होने वाला है, तो 100 मीटर ही होने वाला है। तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो कुल मिला के वी ए बी पोटेंशियल ड्रॉ पर यूनिट लेंथ तब तक नहीं बदलता जब तक कि ई की वैल्यू नहीं बदलती, ई बदलेगा तो ये बदलेगा, लेकिन जब अगर ई भी कांस्टेंट कर दिया जाए तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ विल बिकम कांस्टेंट, और यही प्रिंसिपल होता है पोटेंशियोमीटर का, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। और पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ को एक और नाम दिया जाता है स्टूडेंट, भाई पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ का एक और नाम है, उसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद पोजिशन, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल विद पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अल्टीमेटली वो कुछ है नहीं, वो बात हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कर रहे हैं कि पूरे वायर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट रहेगा, उसका ड्रॉप कॉन्स्टेंट रहेगा। अब आइए चलिए इसी के माध्यम से हम समझते हैं कि अगर हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, सी पॉइंट सेलेक्ट किया जिसका लेंथ स्मॉल एल है, जो एल लेंथ पर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए टू सी कितना आएगा, आई रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी। अच्छा रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, अब रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक का रेजिस्टेंस हमको निकालना है, समझना, एल लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस आर है तो यूनिट लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस आर बाय एल होगा। वापस चेक करना, एल लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस आर है तो यूनिट लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस आर बाय एल होगा, तो स्मॉल एल लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस आर बाय एल इंटू स्मॉल एल, दैट इज आर स्मॉल एल होगा या आर ए सी होगा। तो बेसिकली वी ए सी इज नथिंग बट I into R upon L into small L. तो VAC upon small L equal to कितना आ गया? IR upon capital L. IR upon capital L. तो इसे ऐसा भी लिखा जाता I into sigma. Sigma को क्या कहते हैं?
रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इसे लिखा जाता है, इसे ऐसा भी लिखा जाता है आई इंटू एल रो एल बाय ए, तो एल से एल कैंसिल हो गया तो आप इसे आई रो अपॉन ए भी लिख सकते हैं, तो वी ए सी अपॉन एल आई इंटू सिग्मा दैट इज आई रो अपॉन ए ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जिसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कह रहे हैं, ये आई इंटू सिग्मा भी होता है, आई रो अपॉन ए भी होता है, और इसी को आप लिखते हैं ई। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि हर लेंथ की ड्रॉप पर पोटेंशियल का ड्रॉप जो होगा, हर सेंटीमीटर पर जो पोटेंशियल में कमी आएगी, कि भाई 1 सेंटीमीटर पे 1 वोल्ट गया तो अगले 1 सेंटीमीटर पे भी कितना जाएगा, 1 वोल्ट से ही ड्रॉप होगा। आगे हम इसके एप्लीकेशन देखने वाले हैं कि क्या क्या एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर के होते हैं। तो भाई पोटेंशियोमीटर का सबसे बेसिक एप्लीकेशन जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का। दूसरा इसका एप्लीकेशन होता है कि हम दो सेल को कंपेयर कर सकते हैं। भाई आपके पास एक सेल है, आप सेल का ईएमएफ कंपेयर कैसे करते थे, घर में याद करो, घर में आपको सेल मिलता था तो आप उसे टेस्ट करके कंपेयर करते थे, आप जीवान पे लगाते थे, ज्यादा करंट लगा तो सेल जिंदा है, कम लगा तो सेल डेड कंडीशन में है। ये हमने घर पे करके देखा है, और आपने नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हम बार बार ऐसा नहीं कर सकते कि बड़ा सेल लाए टेस्ट किया उसके बाद में वापस से हमने बताया कि ज्यादा पावरफुल है, तो हम क्या करेंगे, तो हम पोटेंशियोमीटर की मदद से दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करेंगे। और सेल का ईएमएफ कंपेयर करने की भी दो मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है समेंट डिफरेंस मेथड। हम पोटेंशियोमीटर की मदद से इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिटरमाइन करेंगे। भाई आपके पास एक सेल है, सेल के अंदर का रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, अंदर वाला जो मटेरियल है उसका रेजिस्टेंस क्या है, वो कहां से डिटरमाइन करोगे, तो वो भी पोटेंशियोमीटर की मदद से डिटरमाइन करोगे। तो पोटेंशियोमीटर देखा जाए तो एक सेंसर की तरह काम कर सकता है, एक वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम कर सकता है, एक ऑटोमेटिक वोल्टेज डिवाइडर की तरह काम कर सकता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली सीखेंगे। पुरोहित एकेडमी मेन ब्रांच प्रभात चौक एमजे कॉलेज रोड लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ बंधन बँकेशेजारी ट्रॅफिक गार्डन च्या समोर जळगाव